हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकेंड में। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया है, यदि बीजेपी का संबंध डीएमके से है तो आरएसएस का संबंध किससे होगा, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जिस प्रकार बीजेपी का संबंध डीएमके से है उसी प्रकार हम आरएसएस का संबंध क्वेश्चन मार्क करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले से अंक में क्रमांक करेंगे। अंक में कैसे क्रमांक करेंगे, देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि ये भी श्रेणी में 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। ए नंबर पर 1 पड़ता है और बी नंबर पर 2 पड़ता है और जेड नंबर पर क्या पड़ेगा, 26 पड़ेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों बी हमारा किस नंबर पर हो जाएगा, बी हमारा 2 नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। और जे जे हमारा किस नंबर पर हो जाएगा, 10 नंबर पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और पी हमारा किस नंबर पड़ेगा, 16 नंबर पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या किया, बीजेपी को अंक में कन्वर्ट कर लिया, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, डीएमके को भी अंक में कन्वर्ट करेंगे। तो डी हमारा किस नंबर पड़ेगा, 4 नंबर पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और यम हमारा 13 नंबर पड़ेगा और कि हमारा 11 नंबर पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अंक में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए बी में क्या किया है, बी में क्या किया है कि 2 जोड़ दिया है, ठीक है। बी में क्या किया है, 2 जोड़ दिया है, तो कितना हो गया है, 4 हो गया है, ठीक है। बी में 2 जोड़ दिया है तो 4 हो गया। और जे में क्या किया है, जे में क्या किया है, इसमें क्या किया है कि 3 जोड़ दिया है, पहले में 2 दूसरे में 3 जोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। तो आ गया हमारा 13। अब क्या किया है, 16। 16 में क्या करेंगे, 16 क्या किया है, यहाँ पर दिया है 16, यहाँ पर दिया हुआ 11, ठीक है। तो क्या करेंगे, 11, ठीक है। तो 16 में से क्या करेंगे, माइनस 16 में से -5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11, ठीक है दोस्तों। इसका संबंध इस प्रकार था, किस प्रकार, देखिए हमने पहले में 2 जोड़ा, दूसरे में 3 और तीसरे में 5 माइनस कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब उसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे आर एस एस को। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, आर यस यस, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, हे भाई अंक में कन्वर्ट करेंगे तो आर हमारा 18 नंबर पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और यस हमारा 19 नंबर पर और यस हमारा 19 नंबर पर, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या किया था, 2 जोड़ दिया था, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 2 20, तो 20 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, 20 नंबर पे आता है टी, ठीक है। क्या आता है, टी। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में टी दिया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, दो ऑप्शन में दिए हुए हैं और ए सी में नहीं दिए हैं, तो ए और सी दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अगला अंक सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों पहले में 2 जोड़ा था, दूसरे में कितना, 3 जोड़ा था, ठीक है। तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 और 3 22, 22 नंबर पे क्या पड़ता है दोस्तों, वी पड़ता है, ठीक है। क्या पड़ता है, वी पड़ता है, किस ऑप्शन में दिया है, टी और बी, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और क्या कर लेंगे कि 19 में से अगर -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 में से -5 करेंगे तो 14, 14 नंबर पे क्या आता है, यन। तो देखिए दोस्तों आ गया टी वी यन, किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यार यस, इसका संबंध किससे था, टी वी यन से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया है, यदि ए बराबर 2, एम बराबर 26 और जेड बराबर 52 हो तो बीईटी बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करें, ए बराबर 2 दिया है, कैसे दिया है, ए बी सी डी में तो ए 1 नंबर पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ए बी सी डी में ए तो 1 नंबर पड़ता है और एम 13 नंबर पड़ता है, तो यहाँ किस नंबर पर दिया है, 26 नंबर पर दिया है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए ए हमारा जब 1 नंबर पड़ता है तो इसमें क्या किया है, 2 से गुना कर दिया है, कितना कर दिया है, 2 से गुना कर दिया है, तो कितना हो गया है, 2 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या किया है, यम हमारा 13 नंबर पड़ता है, तो 13 में क्या किया है, 13 में 2 से गुना कर दिया है, तो 13 दुना के 26 हो गया है, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया, 13 दुना के 26। अब देखिए जेड जेड दिया हुआ है, तो जेड हमारा 26 नंबर पड़ता है, तो 26 में क्या किया है, 2 से गुना कर दिया है, तो 52 आ गया है, क्या हो गया है, 52 हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब उसी प्रकार इसे सोल्व करेंगे, देखिए बी बी हमारा किस नंबर पड़ता है, 2 नंबर पड़ता है,
ठीक है, और ई हमारा 5 नंबर पड़ता है और टी हमारा 20 नंबर पड़ता है। तो क्या करेंगे, इसके बीच में प्लस कर देंगे, ठीक है, इसके बीच में प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे, 2 और 5 7 20 27, कितना हो जाएगा 27। अब इसमें क्या करेंगे कि 2 से गुना कर देंगे, 27 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 54। किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना था, सब में 2 से गुणा करना था, तो हमारा अंक आ गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया, यदि एल ए सी के लिए संकेत संख्या 396 है तो बी ए सी के लिए संकेत संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जिसे इस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले एल ए सी को सॉल्व करेंगे कि 396 किस प्रकार आया है, उसी प्रकार हम बी ए सी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो एल ए सी के, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसे अंक में कन्वर्ट करेंगे, तो यल यल हमारा दोस्तों किस नंबर पड़ता है, वो पड़ता है हमारा 12, ठीक है, और ए हमारा 1 नंबर पे, सी हमारा 3 नंबर पे, के हमारा 11 नंबर पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इनके बीच में, ठीक है, प्लस का चिन्ह करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 1 13, 13 और 3 कितना होता है, 13 3 16, 16 और 11 कितना हो जाएगा, 16 और 11 27 हो जाएगा। यहाँ दिया है कितना है, 396, ठीक है, तो आने की जोड़ेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। क्या करते हैं, इनके बीच में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणे कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, गुणे कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, 12 में 1 गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, और 12 3 कितना होता है, 36 होगा, ठीक है, और 36 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 396 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 396 आ जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, मैं आपको गुणा करके भी दिखा देता हूँ। देखिए 12 की 36 होता है, 36 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 6 66 होता है, यहाँ से कितना आएगा, 6 आएगा, 11 3 33, 33 और 6 कितना हो जाएगा, 39, देखिए दोस्तों आ गया 396, ठीक है। अब इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं बी ए सी के को, ठीक है, तो क्या करेंगे, बी को पहले 2 1 3 11, ठीक है, इस प्रकार लिख लेंगे। अब इनके बीच में गुणा कर देंगे, ठीक है, इनके बीच में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 9 2, ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा, और 11 6 66 हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 66। किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने क्या क्या इसे अंक में कन्वर्ट किया, इनके बीच में गुणा, गुणा का चिन्ह लगा के इसे गुणा कर दिया आपस में, तो हमारी संख्या प्राप्त हो गई, क्या आया, 66, ऑप्शन नंबर सी में दिया 66, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चार देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार में क्या दिया, यदि जेड बराबर 52 और ए सी टी बराबर 48 तो बी ए टी का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जेड बराबर क्या दिया है, 52 दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, जेड बराबर 52, तो क्या किया है कि जेड हमारा किस नंबर पड़ता है, 26 नंबर पड़ता है, ठीक है, इसमें क्या किया, 2 से गुणा कर दिया है तो कितना आ गया है, 52 आ गया, ठीक है दोस्तों, कितना आ गया है, 52 आ गया है। अब उसी प्रकार देखिए, ए सी टी बराबर 48 दिया है, तो ए सी टी, ठीक है, ए हमारा 1 नंबर पड़ता है, सी हमारा 3 नंबर पड़ता है, टी हमारा 20 नंबर पड़ता है। अब क्या करेंगे, इसे आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, इसे आपस में जोड़ लेते हैं, 1 और 3 4 20 24, कितना हो जाएगा, 24, 24 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 48 आ गया है, ठीक है। अब उसी प्रकार इसे सोल्व करते हैं बी ए टी को, तो क्या हो जाएगा, बी ए टी, ठीक है, तो बी हमारा 2 नंबर पड़ता है, ठीक है, और ए हमारा 1 नंबर पड़ता है, टी हमारा 20 नंबर पड़ता है, क्या करेंगे, इनके बीच प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 3 3 और 20 23, ठीक है, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 23 गुणे कितना करेंगे, 2 23 दुना कितना हो जाएगा, 46, ठीक है, कितना हो जाएगा, 46। किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 46, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही।